हे फ्रेंड्स, हेलो, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एनवर कुरैशी और फिर से आपकी खिदमत में आया हूं लेकर मेरा एक यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। और आज का जो वीडियो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए बनाया गया है फ्रेंड्स। ये इंजेक्शन का बाहर जन और घर पे भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होता है और जो कि ओपीडी में कभी कभी यूज़ करते हैं या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आईसीयू हैं या हॉस्पिटल है उसी जगह पर ये इंजेक्शन का यूज़ होता है। तो आज के इंजेक्शन का आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा फ्रेंड्स, ये खाली आपके एजुकेशन के लिए है। आप इसका ध्यान लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर एनवर कुरैशी और स्टार्ट करते हैं। तो ये इंजेक्शन का नाम है दोस्तों लोपेस, ये इंजेक्शन का नाम है और इसका कंटेंट जो है, ये इसका कंटेंट है लोराजेपाम। आपने कभी सुना है क्या फ्रेंड्स? ऐसा सुना होगा आपने बहुत बार कि लोराजेपाम, मिडाजोलम, एल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम, ऐसे जो सभी कंटेंट आते हैं फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट है ये एक कैटेगरी में आते हैं। इसको बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। इसी में आते हैं एंटी डिप्रेसेंट, सेडेटिव, ट्रांसक्यूलाइजर्स। ये सभी ग्रुप जो है फ्रेंड्स एक ही कंटेंट में, एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही नाम के अंदर हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। और फ्रेंड्स, इसका रोल क्या है? इसका रोल है आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको ये जो है रिलैक्स कर देता है। अगर कोई पेशेंट राउडी है, वो बहुत ही हालचाल कर रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो राउडी होते हैं और वो जो है धिंगाना हंगामा करते रहते हैं कभी कभी हॉस्पिटल्स में, घर में, तो उन पेशेंट्स को ये लोराजेपाम इंजेक्शन दिया जाता है। या जिसको नींद नहीं आती है उन पेशेंट्स को ये लोराजेपाम इंजेक्शन दिया जाता है। या जिस पेशेंट को भी क्या बोलते हैं उसको, साइकोटिक कंडीशंस है, उसको अलग अलग प्रकार के विचार सारे हैं, हेलोसिनेशंस है, डिप्रेशन है, डेल्यूशंस है, इससे पेशेंट को जो है ये लोराजेपाम इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स। मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको सेडेट करने के लिए, उसको ट्रांसक्लाइज करने के लिए, उसको एंटी डिप्रेस अगर कोई पर्सन है उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं उसको भी ये लोराजेपाम इंजेक्शन दिया जाता है। वैसे ही मिडाजोलम के इंजेक्शन है फ्रेंड्स। तो हम इस एक ही वीडियो में जो है इस एंटी डिप्रेसेंट, ट्रांसक्यूलाइजर और बेंजोडाइजेपिन, इस तमाम ग्रुप की जानकारी थोड़ी थोड़े फॉर्म में जितने भी इंजेक्शन या टैबलेट अवेलेबल है उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। मिडाजोलम भी वैसे ही यूज़ होता है, पॉइजनिंग का पेशेंट है या ड्राउडी पेशेंट है, हेड इंजरी का पेशेंट है, जो बहुत धिंगाना करते हैं, कंट्रोल में नहीं आते, वैसे पेशेंट को भी मिडाजोलम दिया जाता है। और अलग अलग प्रकार के जितने भी मैंने कैटेगरी बताया, मिडाजोलम है, एल्प्राजोलम है, एल्प्राजोलम नाम का तो टैबलेट मिलता है, एल्प्रैक्स आपने सुना ही होगा कभी, एल्प्रैक्स 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, इतना ही इसका मिनिमम डोज होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है इतने से डोज में बहुत ज़्यादा काम करते हैं फ्रेंड्स। वैसे ये बहुत अलग अलग प्रकार के रिवोट्रिल नाम की टैबलेट है 0.5 mg, इसमें क्लोनाजेपाम कंटेंट होता है, वैसे ही ना है वो भी एंटी डिप्रेसेंट, जिसको नींद नहीं आती, स्लीप कम है, रात को नींद नहीं आती है, वैसे में ये टैबलेट यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। एमीट्रिप्टिलिन है, जोल्पीडेम है, ऐसे जो तमाम कंटेंट है ये कंटेंट एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं फ्रेंड्स। तो इसके इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट की भी फॉर्म में अवेलेबल है। सेट्रालिन, ऐसे तमाम ये जो हैं एक ही ग्रुप में आते हैं और इनका रोल एक ही है फ्रेंड्स। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती ही जाएगी। अभी जैसे लोराजेपाम का इंजेक्शन मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये जो है 2 ml का एम्पुल है, इसके 1 ml में जो है, इसके 1 ml में फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ 2 mg इतना कंटेंट है। तो लोराजेपाम के 2 ml के वायल में, एम्पुल में फ्रेंड्स कितने mg का कंटेंट हुआ? 4 mg का। अभी हुआ डोज 2 ml जो है स्टैंडर्ड डोज है फ्रेंड्स। तो फिर मेरे को बताओ कि इसका जो है यूज़ कैसा है,
अभी इसका यूज़ जो है आईवी भी दिया जा सकता है, इंट्रावेस्कुलर और इंट्रामस्कुलर कमर में भी ये दिया जा सकता है। वैसे ही और बहुत से इंजेक्शन है, जैसा कि डायजेपाम इंजेक्शन भी है जिसको हम कैंपोस कहते हैं, वो भी बहुत ही इफेक्टिव इंजेक्शन है। ऐसे सभी इंजेक्शन जो है फ्रेंड्स, और दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है उनके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बेंजोटाइजिपिन का वो मेरे फेवरेट इंजेक्शन है और उनका मैं एक कॉम्बिनेशन वीडियो दो इंजेक्शन का ज़रूर बनाऊंगा, जिसका नाम है इंजेक्शन सेरेनेस और इंजेक्शन फिनार्गन फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के एजुकेशन के पर्पज़ से आप देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।